अब आ गए अपन लास्ट कॉन्टिनेंट पे, जो है साउथ अमेरिका। इस सीरीज में तो साउथ अमेरिका के आसपास कोई ज्यादा मेजर वाटर बॉडीज तो है नहीं, ठीक है? तो हम इसको जो है वो वाटर बॉडीज को छोड़ के मेनली अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है? तो वाटर बॉडीज तो है नहीं इसके आसपास। सबसे ऊपर नॉर्थ से चालू करेंगे। यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर वेनेजुएला, कोलंबिया, ये कुछ कंट्रीज हैं। वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूक्शन होता था यहाँ पे बहुत ज्यादा, बट अभी रिसेंट में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस गिरने की वजह से इनकी इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है। तो वेनेजुएला के अंदर जो है वो मेजरली एक नदी है जिसका नाम मार्क कर लेना, ओरिनोको रिवर। ओरिनाको रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ओरिनाको रिवर जो है वो इधर से बह रही होगी, इस एरिया से ऐसे। ओरिनाको रिवर पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल फॉल। एंजल फॉल वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वाटरफॉल है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। ठीक है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है एंजल फॉल्स। वेनेजुएला और कोलंबिया की बॉर्डर पे एक, यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर एक ग्रासलैंड मिलेगा अपने को, घास के मैदान मिलेंगे, जिसको नाम दे रखा होगा यहाँ पर लानोस, LLANOS। लानोस जो है वो एक ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। टाइप क्या है? टाइप है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहां पे इसको कहते हैं लानोस। इससे साउथ की तरफ जाने पर एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास में। इस पूरे एरिया को जो है वो हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। सेल्वास क्या है? मेजरली ग्रासलैंड टाइप ऑफ एरिया है, बट क्योंकि यहाँ पे जो है वो नदी बहती है और ये एरिया पूरा रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, यहाँ पर एमेजॉन रेन फॉरेस्ट मिलेगा। ये पूरे एरिया में एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है, जिन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोल देते हैं कभी कभार लोग। एमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीच से बहती है एमेजॉन रिवर। एमेजॉन रिवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, ध्यान रखना मैं लंबी नहीं बोल रहा हूं, लंबी नाइल थी, ये बड़ी है। बड़ी का मतलब इसका एरिया सबसे बड़ा है, जिसको कैचमेंट एरिया है, बेसिन कहते हैं, यानी कि इसके आसपास इतनी सारी एरिया में से जो है वो पानी आकर गिर रहा है इसमें, तो ये पेड़ की शाखाओं जैसा एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये पूरा एरिया बेसिन कहलाता है, तो बेसिन जो है वो इसका सबसे बड़ा है। दूसरा, पानी ले जाने की क्षमता, वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं है, बड़ी है, लंबाई में भी कम नहीं है, सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, सो एमेजोन रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। अब एमेजोन या सेल्वास रीजन से थोड़ा सा नीचे आने पर प्लेट्यू रीजन मिलेगा हमने को। ये मेजरली पूरा एरिया ब्राजील के अंदर आता है, और ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ब्राजील के अंदर इन एरियाज में जो रेन फॉरेस्टेड एरियाज हैं, रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज के अंदर बहुत सारा अभी आग लगने की घटनाएं हो गई थी, इस वजह से थोड़ा बहुत न्यूज आया था, न्यूज में आया था ये सारा एरिया। एमेजन फॉरेस्ट जल रहे थे पिछले साल, ऐसा बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। यहाँ बहुत सारी जनजातियां रहती है, ट्राइब्स रहती है। अब इससे नीचे या माटो ग्रोसो करके एक हाईलैंड दे रखा होगा, माटो ग्रोसो, ये प्लेट्यू है या ऊपर उठा हुआ एरिया है।
माटो ग्रासो, और इस वाली तरफ पे लिख रखा था ब्राजीलियन हाईलैंड, ये भी एक उठा हुआ एरिया है, ब्राजीलियन हाईलैंड। तो इन एरियाज में जो ये हायर एरियाज हैं, उठे हुए एरियाज हैं, तो हाइट की वजह से, एलिवेशन होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो ठीक होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है। और दूसरी तरफ ट्रॉपिकल एरिया है, तो उष्णकटिबंधीय इलाके हैं, ट्रॉपिक्स के पास में, इक्वेटर के पास में ये पूरा एरिया। तो इस वजह से इन एरियाज के अंदर कॉफी और कोकोआ दोनों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। कॉफी और कोकोआ आर द मेन एक्सपोर्ट ऑफ दिस रीजन। ब्राजील से कॉफी और कोकोआ दोनों का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ब्राजीलियन कॉफी बहुत फेमस है इस पूरे रीजन में, बहुत सारे हिल एरियाज में कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मेजर कॉफी एक्सपोर्टिंग एरिया है ये। तो यहीं पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम दे रखा है रियो दी जेनेरियो। यहां पर रियो दी जेनेरियो एक मेजर पोर्ट है और एक मेजर टाउन है ब्राजील का, जहां पर पहले 2016 में ओलंपिक्स भी हुए थे। अभी 2020 के ओलंपिक्स जापान में होने वाले थे, बट वो आगे बढ़ गए कोविड-19 की वजह से, अगले साल होंगे अब। तो 2016 के पिछले ओलंपिक्स रियो दी जेनेरियो में हुए थे। हालांकि ये ब्राजील की कैपिटल नहीं है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। और ब्राजील जो है वो इंडिया के साथ ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर है, BRICS में ब्राजील बी सबसे पहला ही है। इंडिया की ब्राजील के साथ अच्छी दोस्ती है, रिलेशंस अच्छे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो इस साल 2020 में गणतंत्र दिवस के मेहमान थे इंडिया के, क्योंकि पिछले साल की ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई थी, पिछले साल की ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई थी, 2019 के ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई थी, तब नरेंद्र मोदी वहां गए थे और उन्होंने उनको न्योता दिया था। इस साल की ब्रिक्स समिट रशिया में होनी थी, इस साल की ब्रिक्स समिट रशिया में होती है और अगले साल की इंडिया में होगी। ब्रिक्स में ये घूमती है BRICS, इसी सीक्वेंस में घूमती है, बी ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना में होती है, फिर साउथ अफ्रीका में होती है, फिर वापस ब्राजील में होती है, ऐसे होती है ब्रिक्स समिट। अब इसी के बाद में ब्राजील से साउथ की तरफ जाने पर हमें यहां पर दो कंट्रीज पे ध्यान देना है, एक है बोलीविया और एक है पैरागुए। बोलीविया और पैरागुए, बोलीविया जो है और पैरागुए जो है, ये दो कंट्रीज साउथ अमेरिका में दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि उनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, बोलीविया और पैरागुए। ये खास बात है इन दोनों कंट्रीज की। दूसरी चीज, बोलीविया वाले एरिया में अपने को एक प्लेट्यू देखने को मिलेगा जिसका नाम है बोलीवियन प्लेट्यू। नाम से अंदाजा लग जाएगा कि ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है और बोलीविया में ही है, तो बोलीवियन प्लेट्यू। इनफैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलीवियन प्लेट्यू से निकल रही है कई तो नदियां जो अमेजन रिवर में मिलती है, यानी कि अमेजन रिवर देख कितनी कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है। पैरागुए कई लोगों का मानना है कि इसको ओरिजिनल इसकी लंबाई माननी चाहिए, इन सब की लंबाई नाप लेंगे ना, इन सब नदियों की लंबाई मान लेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी है, बट एक ही नदी मानी जाती है, बाकी सब तो छोटी नदियां मानी जाती है, तो इन सबको नहीं जोड़ते हैं, वरना अमेजन सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के नॉर्थ की तरफ वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में ग्रासलैंड मिलेंगे ग्रान चाको के नाम से। इससे नीचे गए हम तो अर्जेंटीना शुरू हो जाता है, अर्जेंटीना के अंदर भी एक मेजर ग्रासलैंड मिलेगा अपने को पंपास के नाम से, यहाँ पे पंपास लिखा होगा, ये पंपास, PMPS, ये भी ग्रासलैंड है। तो ग्रान चाको और पंपास दोनों जो है वो टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड है, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, हरी घास और कैटल
रेयरिंग यानी कि पशुपालन के लिए अच्छे हैं। यही कारण है कि अर्जेंटीना विश्व में बहुत ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करता है अर्जेंटीना, क्योंकि इनके पास में मेनली क्या है, कैटल ही है। और ये कैटल होने की वजह से यहाँ पे, मतलब अब मैंने बताया था इस स्टेपीज वगैरह में भी खेती नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, क्यों, हाई प्रेशर एरिया बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पे विंड्स जो आती हैं तो वो अपने साथ में ऐसी, मतलब समुद्र से हवा नहीं लाती हैं, ऊपर की तरफ से आ रही होती हैं, हाई प्रेशर एरिया से इधर से जा रही होती हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर बनने की वजह से इधर की तरफ हवा नहीं आती, इधर से जाती है, इधर से जाती है तो यहाँ पे बरसात नहीं होती। दूसरी तरफ टेम्परेट एरिया है तो कभी गर्मी और कभी सर्दी पड़ती है, सर्दियों में बर्फ तक जम जाती है, और जैसे जैसे फिर गर्मी आती है तो बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी जो बर्फ के पिघलने से बनता है उसकी वजह से यहाँ छोटी घास होती है, छोटी और हरी घास, जो कि मवेशी चराने के लिए ज्यादा अच्छी है। खेती नहीं कर सकते आप, लिमिटेड एरिया में खेती होती है, जहां नदी वदियां हैं वहां खेती हो जाएगी, बाकी जगह नहीं हो सकती। यही फीचर हमने देखा था डाउन्स में, यही देखा था वेल्ड्स में, यही देखा था हमने स्टेपीज में, प्रेरीज में, सब जगह जो टेम्परेट ग्रासलैंड है सबका यही फीचर है। अच्छा, अब इस रीजन में दो तीन नदियां मिलेगी अपने को, पैराग्वे के अंदर पैराग्वे रिवर, और इधर साउथ में उरागुए नाम से कंट्री है, यहाँ पे उरागुए रिवर मिलेगी, पैरागुए, उरागुए। हाँ पैरागुए जो कंट्री है, पैरागुए में पैरागुए रिवर इसी नाम से रिवर मिलेगी, और इधर उरागुए नाम से कंट्री है, यहाँ उरागुए नाम से रिवर मिलेगी। ये दोनों रिवर जो हैं वो आगे जाकर इस खाड़ी में मिलती है, जिस खाड़ी को कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। उरागुए सेम नाम से, इसी कंट्री में इसी नाम से रिवर बाउंड्री बनाती है एक्चुअली, पैरागुए और उरागुए के बीच में नदी। अच्छा, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा नाम से जो खाड़ी है यहाँ पे आकर ये दोनों नदियां मिलती है, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है, और फिर उसके बाद में साउथ की तरफ जाएंगे तो एक डेजर्ट मिलेगा अपने को, रेगिस्तान मिलेगा, इसको कहेंगे हम पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, क्योंकि इस वाली तरफ में कोल्ड करंट बहता है, कोल्ड करंट बहने की वजह से इस पूरे रीजन में, इस वाले एरिया में जो है बरसात आती नहीं है, और ये पूरा डेजर्ट बनता है, पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया डेजर्ट से बहुत ज्यादा साउथ की तरफ और देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवाद है इसको लेकर। ठीक है, और फॉकलैंड आइलैंड के आसपास फिशिंग ग्राउंड बनता है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से ब्राजीलियन करंट जो कि एक वार्म करंट है यहाँ पे टकराता है कोल्ड करंट से, तो यहाँ पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। खैर, यहाँ साउथ में छोटा सा एक आखिरी आइलैंड है, या साउथ अमेरिका की जो आखिरी चोटी है, ये एक तरीके से अलग है पूरे मेन कॉन्टिनेंट से, और ये एक आइलैंड बनाती है जिसको टियरा डेल फ्यूगा के नाम से जाना जाता है। टियरा डेल फ्यूगा, ये जो आखिरी आइलैंड है, आखिरी टिप वाला आइलैंड है, इसको टियरा डेल फ्यूगा कहते हैं।
इसके ऊपर की तरफ में एक छोटा सा स्ट्रेट है जो एक्चुअली पूरे कॉन्टिनेंट को टियरा डेल फ्यूगा से अलग करता है, इसको मैजिलन स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मैजिलन स्ट्रेट लिखा होगा, मैजिलन स्ट्रेट। मैजिलन वो आदमी था जिसने सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश की थी, तो वो इसी रास्ते से जो होते हुए पैसिफिक ओशन पहुंचा था, और इसीलिए जो है वो इसको मैजिलन स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब इधर जाएंगे हम नॉर्थ की तरफ में, यहां एक कंट्री दे रखी है, नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल है क्वेटो। इकलौती ऐसी कैपिटल है वर्ल्ड में जो इक्वेटर के ऊपर है, एग्जैक्टली इक्वेटर पे। इसी इक्वेटर के अंदर में एक आइलैंड आता है जो साउथ में इसके, सॉरी वेस्ट की तरफ में दे रखा है, जिसको गैलेपागोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेटर के अंदर में आता है, और ये आइलैंड बहुत ज्यादा फेमस हैं, जहां पर इन आइलैंड्स के अंदर ही, गैलेपागोस आइलैंड्स में ही एक्चुअली जो चार्ल्स डार्विन था उसने सबसे पहले चिड़ियां देखी थी कि उनकी चोंच के आकार में फर्क है, जबकि वो एक ही स्पीसीज की है। अगर वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड नहीं जा सकती तो उनकी स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया, तभी उसको समझ में आया था कि ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जो अपन बोलते हैं, या एक्चुअली उसने नहीं दी थी, बट चार्ल्स डार्विन की ये चीज इवोल्यूशन की थ्योरी उसके समझ में आई थी, इसकी वजह से। तो वो गैलेपागोस आइलैंड जो है वो बहुत फेमस आइलैंड है, यहाँ पर है। गैलेपागोस आइलैंड पे बहुत सारी चिड़ियां मिलती हैं जिनकी बीट वगैरह इकट्ठी करते हैं लोग फर्टिलाइजर वगैरह के लिए पहले के टाइम पे। अब तो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वगैरह बना लेते हैं, बट पहले के टाइम पे जो है वो ये चिड़िया की बीट वगैरह बहुत ज्यादा इकट्ठी करते थे लोग, तो वो ये गैलेपागोस आइलैंड इसके लिए जाने जाते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह के लिए इसका यूज होता था, हालांकि अब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये गैलेपागोस आइलैंड अगर पूछ ले कहाँ है पैसिफिक ओशन के अंदर। अब लास्ट फीचर जो इस पूरे रीजन में है जो बच गया, वो है आपका नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ में एक माउंटेन चेन मिलेगी हमको, जिसको लिख रखा होगा कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज। एंडीज कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है माउंटेन चेन। अब इसको एंडीज माउंटेन भी मान सकते हो, एंडीज माउंटेन मार्क कर लेते। एंडीज माउंटेन वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन चेन है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है ये, लंबाई सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं पेरू चिली, ये पूरी तरीके से माउंटेनस ही है लगभग लगभग। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखने वाली है कि एंडीज माउंटेन भी एक फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, बिल्कुल रॉकीज की तरह, बिल्कुल हिमालय की तरह, बिल्कुल एटलस की तरह। अब यहां पर इक्वेडोर के कंट्री के अंदर एक छोटी सी माउंटेन पीक दे रखी होगी, एक ज्वालामुखी पर्वत दे रखा होगा जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वेडोर के बिल्कुल पास में दे रखा होगा, क्वेटो के, इक्वेडोर के अंदर क्वेटो के पास में ही है एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एक वॉल्केनिक पीक है, कोटोपैक्सी एक वॉल्केनिक पीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज में से एक है। कोटोपैक्सी से नीचे की तरफ आएंगे हम, यहां पेरू के पास में, पेरू से नीचे आके चिली के पास में आएंगे, कैपिटल है सेंटियागो। सेंटियागो के पास में ही एक माउंटेन पीक दे रखी है जिसका नाम है माउंट अकांकागुआ।
नीचे साउथ के अंदर जो है वो दे रखी है, सैन डियागो नाम से एक कैपिटल दे रखी है। किसकी कंट्री है आपकी? चिली। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। सेंटियागो को फिजिकल मैप पे देखेंगे तो उसी के बगल में लिख रखा है अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है वो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। अब अपन आ जाते हैं अकांकागुआ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, कोस्टल एरिया में, समुद्र की सतह के पास में कोस्टल एरिया जो है, ये एरिया पूरा जो है वो ड्राई एरिया है। यहां पर इस वाली जगह पर ये वाला एरिया जो बनता है वो ड्राई बनता है और इसको कहते हैं अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट मिलेगा। थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाने पर जहां साउथ अमेरिका का बैंड है घूम रहा है, जहां से माउंटेन रेंज, वहां पर पीछे की तरफ में इस वाली तरफ में जो जगह बनती है इधर माउंटेन रेंज के इस वाली तरफ, इसको अकांकागुआ डेजर्ट कहते हैं। अकांकागुआ डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे सूखा रेगिस्तान है ये, वर्ल्ड का सबसे ड्राई रेगिस्तान है ये, ड्राइएस्ट डेजर्ट। नमी बिल्कुल नहीं है यहाँ। इसके पीछे मेजर रीजन है कि यहां पर समुद्र के में जो है वो कोल्ड करंट बहता है, पेरू करंट, जिसकी वजह से यहां पर जो है वो बरसात नहीं होती है। इसी अकांकागुआ से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो एक लेक मिलेगा जिसका नाम है लेक टिटिकाका, बोलिवियन हाईलैंड के पास में। और इससे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, अटाकामा डेजर्ट से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ एक छोटा सा तालाब दिखा रखा होगा जिसका नाम ले रखा होगा लेक टिटिकाका, TITICACA। सबसे ऊंचा जहाज चलने वाला तालाब है ये, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जहाज चलने वाला तालाब है ये, जिसमें जहाज चल सकता है, ठीक है। और टिटिकाका इंपॉर्टेंट लेक है, इसीलिए पूछा भी जा सकता है कि कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इतनी राम कहानी है साउथ अमेरिका की।